नमस्कार जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हरीना गौरव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में माचुल सेक्टर में शहीद हुए कुरुक्षेत्र के जवान मनदीप का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के अंटीटी गांव में थोड़ी देर बाद शहीद मनदीप का शव पहुंचेगा और आपको बता दें कि आज अंटीटी गांव में शहीद मनदीप का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनदीप 17 सिख रेजिमेंट के जवान थे। आतंकी शहीद मनदीप का शव शक्त विशक्त कर पीओके चले गए थे। इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने गोलीबारी करके आतंकियों को कवर भी दिया था। माचुल मुठभेड़ में एक आतंकी भी मार गिराया गया था। और आपको बता दें कि सेना के अधिकारी और जवान अंटेरी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में शव जो है वो कुरुक्षेत्र पहुंच जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी शहीद मनदीप को। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे कुरुक्षेत्र में भी आपको बता दें कि लोग जो है गमगीन है। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर उनके घर के बाहर देखी जा रही जी। है। और ऐसे में आपको बता दें कि पूरा गांव एकजुट होकर मनदीप के परिवार के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है, उनको सांत्वना दे रहा है। गर्व इस ना सिर्फ कुरुक्षेत्रवासियों को, देश को भी है मनदीप पर, लेकिन परिवार में जो सूनापन, जो खालीपन मनदीप के चले जाने से बन गया है, उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राकेश रोहिला, जो वहां पर मौजूद हैं। राकेश, हम जिस तरीके से तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सेना के जवान और अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर लोगों की देखी जा रही है। आपसे जरूर जानना चाहेंगे मनदीप का शव कब तक पहुंच रहा है, और साथ ही गमगीन पूरा माहौल, गर्वमय जरूर है लेकिन गमगीन भी है। जी बिल्कुल, शहीद मनदीप का शव कभी भी यहाँ पर पहुँचने वाला है। सेना के जो अधिकारी हैं, जो उनकी टुकड़ी है, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। भारी संख्या में सेना के जो जवान हैं वो पहुँच चुके हैं। पूरा गांव जो है इकट्ठा हो गया है, और जो लोकल जो विधायक हैं यहाँ के, थनेसर लाडवा और आसपास के जो हैं, वो सभी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं। और कभी भी यहाँ पर शहीद मनदीप सिंह का शव जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। जी। तो यहाँ पर आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे राकेश, कि अगर हम कल की भी बात करें तो लगातार जो सियासतदान हैं वो परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुँच रहे थे। अगर हम आज की बात करें तो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ही राजनेताओं को शहीद होने का पता लगा तो वहीं से राजनेता जो हैं वो आने शुरू हो गए थे। कल से ही यहां पर राजनेता जो श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार वालों से बातचीत करने के लिए पहुंच रहे थे। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो भी कभी भी यहां पहुंच सकते हैं, वो भी श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार वालों से दुख साझा करने के लिए आएंगे। जी तो दुख साझा करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे गांव के जो वासी हैं वो दूर दूर से पहुँच रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए उस महान सपूत को, उस जाबाज को जिसने देश के नाम अपनी जान कर दी है। छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं मनदीप। गाँव के लोगों को अपने बेटे पर फख्र ज़रूर है, नाज है, लेकिन आज सबकी आंखें नम जरूर हैं। और कुरुक्षेत्रवासियों ने साफ ऐलान कर दिया है कि इस बार दीपावली का त्यौहार कुरुक्षेत्रवासी नहीं मनाएंगे। और इसके साथ ही पूरा देश एकजुट होता हुआ दिख रहा है। हर बार सेना की बात जरूर की जाती है, सरहद पर मौजूद जवानों की बात जरूर की जाती है कि किस तरीके से हम अपने घर पर आराम से बैठकर दिवाली मना पा रहे हैं, अपने परिवारों के साथ दिवाली मना रहे हैं। और इसके पीछे अगर कोई है जिनकी वजह से हम दिवाली मना पा रहे हैं तो वो वही हैं जो आपको बता दें कि सरहद पर तैनात हैं, हमारी सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर हैं। राकेश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, पहले अगर हम मनदीप की बात करें तो उनका शव ज़रूर उनके परिवार पर के पास पहुंचेगा, और उसके बाद जिस तरीके से अगर कुरुक्षेत्रवासियों की बात करें, अंटेरी के लोगों की बात करें, तो हर कोई उन्हें अंतिम विदाई देना चाह रहा होगा, आखिरी बार उन्हें देखना चाह रहा होगा।
जी बिल्कुल, पूरे गांव को उन पर गर्व है कि उनके गांव का नाम जो है रोशन हुआ है। गांव के युवक ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। सभी गांववासी इकट्ठा होकर यहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है इकट्ठा हो गए हैं, और उनके लिए अलग से एक अंतिम दर्शन करने के लिए एक स्थान भी बनाया गया है कि जहाँ पर उनके शव को रखा जाएगा, और लोग जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति आकर उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके अंतिम दर्शन जो कर सके। जी, तो एक अलग स्थान बनाया गया है अंतिम दर्शन के लिए, एक अलग स्थान बनाया गया है। और साथ ही राकेश, अगर अंतिम संस्कार की बात की जाए तो क्या वक्त रखा गया है, और साथ ही गांव के जो लोग हैं, कुरुक्षेत्र से भी दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं, काफ़ी भीड़ मौजूद है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अंतिम दर्शन करने के बाद ही संस्कार किया जाएगा। 9:30 बजे का टाइम यहाँ पर दिया गया था, और जैसे ही मुख्यमंत्री और जैसे ही यहाँ पर शहीद मनदीप का शव यहाँ पर पहुँचता है, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद उनके घर, जो नया घर बनाया गया था उनके बिल्कुल साथ में ही उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा उनकी खुद की ज़मीन पर। वहीं पर परिवार वालों का मानना है कि वहीं पर उनकी समाधि जो है वहीं बनाई जाएगी। जी, तो परिवार वालों का मानना है कि जो समाधि है वही मनाई जाएगी, और काफ़ी दुख की बात ही है कि नया घर बना था और परिवार वालों ने ये सोचा था कि दीपावली के दिन जो है वो नए घर पर शिफ्ट होंगे, लेकिन परिवार के जाबाज़ बेटे को शहादत मिली है, और इंतज़ार मनदीप के शव का पहुंचने का यहाँ पर किया जा रहा है। कई बड़े नेता लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, कल से ही यहाँ पर सियासतदानों का आना भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि सेना के भी अधिकारी और जवान यहाँ पहुँच चुके हैं। राकेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश, जो आपके पीछे की तस्वीरें हैं, क्या ये मनदीप का घर है जहाँ पर जो परिवार के क्लोज जो करीबी सदस्य हैं वो मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये मनदीप का ही घर तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी ज़मीन यहाँ पर है, उनके जो जानवर जो पशु जो है यहाँ बांधे जाते थे, लेकिन ये खुले स्थान है तो यहाँ पर सभी जो परिवार वाले हैं वो भी बैठे हैं। यहाँ पर राजनेता जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, गांव के काफ़ी मौजूद जो लोग हैं वो भी यहीं पर मौन जो है रखा हुआ है उन्होंने, और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनका स्थान भी, जो अंतिम दर्शन करेंगे लोग जो आसपास के गांव के हैं, ये परिवार के सदस्य हैं, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए स्थान भी यहीं पर बनाया गया है। जी, तो अंतिम दर्शन करने के लिए स्थान भी बनाया गया है, क्योंकि जो गांव वाले हैं, जो कुरुक्षेत्र के लोग हैं, वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, अंतिम विदाई के लिए पहुंच रहे हैं मनदीप की। और आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, और ये तमाम वो बच्चे हैं जो इन गलियों में खेलते हैं, और इन्हीं गलियों में कभी मनदीप भी खेला करते थे, यहीं के स्कूल में वो पढ़े थे, और ये बच्चे अब उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, उनकी शहादत को नमन ज़रूर कर रहे हैं, और यहाँ मौजूद हैं ये तमाम हर वर्ग के लोग, और गर्व ज़रूर महसूस कर रहे हैं, आँखें नम भी हैं, लेकिन पूरा कुरुक्षेत्र एकजुट है, एक साथ है, और दिवाली ना मनाने का फैसला लिया गया है। उसके साथ ही अगर मनदीप के परिवार वालों की बात की जाए तो उनका यही मानना है कि अब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए, जो सरहद पर भारतीय सेना अब लगातार दे भी रही है। शहीद मनदीप की शहादत पर जहां सभी को नाज है, वहीं पाकिस्तान की करतूत पर उतना ही गुस्सा भी है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनजिंदर जीत सिंह बिट्टा का कहना है कि पाकिस्तान की इस हरकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाना चाहिए। वहीं शहीद मनदीप के परिजनों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ खासा गुस्सा उनके परिवार में देखा जा रहा है। परिवार के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। परिवार के एक सदस्य ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये रोज रोज का जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रामा देखा जा रहा है, अब ये बंद होना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि कल देर रात के बाद ही भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया गया है। कई पाकिस्तानी की जो पोस्ट हैं वो उनको नेस्तनाबूद किया गया है भारत की तरफ से, और साथ ही जो सख्त गुस्सा है वो लगातार अब देखने को मिल रहा है। आपको बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, हरियाणा हमेशा कुर्बानियों शहादतों से आगे रहा है। मनदीप जी की शहादत होती है, हम सब ने कुर्बानी देने के लिए जवान तैयार रहते, पर जिस तरीके से बॉडी का अपमान किया, क्या बर्बरता की गई, ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा उठाना चाहिए।
आज जो हमारा भाई मनदीप सिंह शहीद हुआ है हमें इसकी शहादत पर गर्व है, मुझे नहीं पूरे देश को गर्व है। और ये जो बर्बरतापूर्ण उन्होंने कार्य किया पाकिस्तानी, उनकी बुखलाहट का परिणाम है। और आज हमारी सरकार से भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है कि अब बहुत हो चुका है, अब इस बर्बरतापूर्ण कार्य का जवाब लिया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।